निकल गए कसार देवी मंदिर के। बोलो देवी मैया की जय। हम निकल गए कसार देवी मंदिर के। तो हम लोग कसार देवी मंदिर भी पहुंच चुके हैं और उतर गए, अब ऊपर को हम जा रहे हैं। लेकिन यहाँ से ना एकदम चढ़ाई वाला रास्ता है और पूरे सीढ़ी वाला रास्ता है ये। तो पापा तो नहीं आ रहे, पापा बैठे हैं नीचे पे ही, क्योंकि पापा के लिए ना सीढ़ी चढ़ना थोड़ा मुश्किल है और थक भी जाएंगे। तो हम लोग जाते हैं और देवी माँ के दर्शन करके आते हैं और साथ में आपको भी कराते हैं। तो चलिए घर इधर को जिसमें यहाँ के बारे में लिखा है। और हम भी ना कसार देवी आज पहली बार ही आ रहे हैं, तो हम अपना एक्सपीरियंस फिर बताएंगे कि हमें यहाँ आके कैसा लगा। तो यहाँ आके सच में वाकई बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत क्या ही कहूँ, मतलब कहने जितना कुछ आता भी नहीं कि क्या कहीं करके इस बारे में। तो चलो हमें माता के दर्शन हो गए, तो ऊपर भी मंदिर है, हम ऊपर भी दर्शन करके आते हैं। बच्चे हमारे आगे आगे फटाफट चले जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे को ना मंदिर में आके उनको और ताकत आ जाती है, तो फटाफट चलते हैं। तो चलो हम भी फटाफट चलते हैं और दर्शन करके आते हैं, साथ में आपको भी दर्शन कराते हैं।
आ रहा है नीचे से। चल खुशी, हाँ पापा, पापा बोले शिवाय जय माता दी। ये देखो अभी हम शिव मंदिर पे आए हैं और ठीक शिव मंदिर के ऊपर अभी चांद विराजमान है, यानी कि चंद्र देवता। मम्मी क्या क्या तोड़ो ये। जय बजरंगबली। प्रसाद ग्रहण कर लिया हमने। चलो जय माता दी। वो मैंने ना खोल ले लिया छुरी के, 10 रुपए ले लिए थे मम्मा ने।
स्कूटी है? कितना बढ़िया लग रहा है, तो बढ़िया दिखना। मेरे इस ब्लॉग को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद व आभार। आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि रोज़ की भांति आज भी आपने इस ब्लॉग को देखा। आशा करती हूँ कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।